भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को मासिक शिवरात्रि का व्रत बेहद प्रिय है, इसलिए भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि 28 मई शनिवार के दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मासिक शिवरात्रि को लेकर मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है और असंभव एवं कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 28 मई 2022 शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन शिवरात्रि का प्रारंभ 28 मई दोपहर 1:09 पर होगा और तिथि का समापन 29 मई दोपहर 2:54 पर होगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को रखने से स्त्री और पुरुष के जीवन में सुख समृद्धि का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन रात और दिन पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को स्वस्थ जीवन की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको मासिक शिवरात्रि पर पूजन विधि के बारे में भी बता देते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे भक्त सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहन लें, घर के मंदिर में दीप जलाएं, घर में शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल दूध आदि से करें, साथ ही बेलपत्र चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा का भी विधान है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को भोग लगाएं। इस दिन भगवान शिव को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, हवन करें और भगवान शिव की आरती करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।